सी इन क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए, जो ये रिएक्शन गिवन है सी केयरफुली, इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट इस रिएक्शन के लिए, और टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू दिया है ये, ठीक है। तो देखो क्या क्या डेटा गिवन है, ई नॉट की वैल्यू कितनी दिया है 2 वोल्ट, डी बाई डी टी कितना दिया है डी नॉट बाई डी टी दैट इज -5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर कैल्विन, ठीक है। तो हमें इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले गाइज क्या करोगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला पता है। अब देखो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्ट आप प्लग कर सकते हो, तो डेल्टा जी प्लस, अब इस वाले टर्म को राइट में ले जाओ तो टी डेल्टा एस हो जाएगा, इक्वेशन वन कर लो। अब हमें पता है डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू होती है एन एफ ई नॉट सेल डी ई नॉट सेल अपॉन डी टी, क्लियर। ये होता है डेल्टा एस की वैल्यू, गॉट इट। तो यहां से वैल्यू प्लग कर दो, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू दिया है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन दैट इज 2, एफ की वैल्यू होती है फराडे कॉन्स्टेंट 96500 कूलम, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है 2, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 300 केल्विन, ठीक है। देखो यहाँ पे 300 केल्विन दिया है, और एन की वैल्यू दिया है 2F 96500 कूलम, और डी बाई डी टी, देखो सी केयरफुली, डी बाई डी टी बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया -5 × 10⁻⁴, तो यहाँ वैल्यू प्लग कर दो, यू कैन राइट -4 × 10⁻⁴, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, तो डेल्टा एच हो जाएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस, तो ये माइनस सामने चला आएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 4 −4 × 96500, ठीक है, −300 × 2 × 96500 × 5 × 10⁻⁴, ठीक है। और जब सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, −41800, ठीक है, जूल। अब इसको किलो जूल में अगर हमें लिखना है तो ये आ जाएगा −412.8 किलो जूल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, यानी डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, 491.1 किलो जूल पर मोल दिया है, और डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी दिया 198.0 जूल पर केल्विन पर मोल। कह रहा है इट इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन, इसका मतलब कि 298 केल्विन पे रिएक्शन हैपन नहीं होगा। तो कह रहा है कि टेम्परेचर एवर विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, हमें क्या बताना है, टेम्परेचर एवर विच रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेक करनी होती है, जो कि डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड फॉर फिजिबल, फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो, एग्री। तो अब यहां वैल्यू कर दो जीरो से छोटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, लेस देन जीरो। तो यहां से तुम्हें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर क्या करोगे, टी डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन डेल्टा एच होगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव दिया है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ऐसे ही आप कर दो। और डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर रख दो 491.1 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, वाई बिकॉज देखो ये जूल में दिया है और ये किलो जूल में दिया है, और डेल्टा एस की वैल्यू प्लग कर दो 198, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2480.3, ठीक है, ये केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू 2480.3 से ज्यादा आनी चाहिए, कह रहा है ना टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, तो टेम्परेचर क्या होगा 2480.3 केल्विन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। See in question 12, the standard reaction gives energy for the chemical reaction at an absolute temperature T is given by this reaction. A or B non-zero constant है, तो कह रहा है which of the following is true about this reaction?
तो देखो इसको फटाफट करो, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ये पता है। और फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। अब जो डेल्टा जी रिएक्शन का दिया है उसे इसको कंपेयर करो, तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू हो गई ए, कंपेयर कर दो दोनों में, और डेल्टा एस की वैल्यू हो गई बी। तो देखो फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा एच ए है, यानी ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, दैट इंप्लाइज ए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब ऑप्शन मिलाओ, करें एंडोथर्मिक के लिए ए लेस देन जीरो विच इज रॉन्ग बिकॉज ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक्सोथर्मिक के लिए बी लेस देन जीरो, नो डेल्टा एच जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, ए लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है एक्सोथर्मिक। अब देखो स्पॉन्टेनियस के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बी हमेशा पॉजिटिव होगा। करे एक्सोथर्मिक इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अब देखो एक्सोथर्मिक के लिए ए लेस देन जीरो आना चाहिए और एंडोथर्मिक के लिए ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑप्शन डी सही है, इसको मैच कर लो। देखो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच क्या है तुम्हारा, ए है, तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीन क्वेश्चन 13 कह रहा कि फॉर केमिकल रिएक्शन एक्स जो है वाई में जा रहा है, ये रिवर्सिबल साइन दिया है, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर टी, इस फॉर्मूले से गिवन है, ठीक है ना, डेल्टा जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टेम्परेचर टी इज, अब देखो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो उसने बोला है कि y if t is 280 kelvin, तो देखो सबसे पहले ये चेक करो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा g होता है डेल्टा h माइनस t डेल्टा s के बराबर, ठीक है, और डेल्टा g की जो वैल्यू गिवन है वो दिया है 120 माइनस 3 बाई 8 इंटू टी, इसे इसको कंपेयर करोगे तो डेल्टा h आ जाएगा 120, ठीक है, एंड जो डेल्टा s आएगा वो आ जाएगा 3 बाई 8, ठीक है। टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया है, और ये किस में दिया है, डेल्टा एच या तो जूल में दिया होगा या तो किलो जूल में, यहाँ पे दिया है किलो जूल में डेल्टा जी, यानी ये किलो जूल में दिया है तो बट नेचुरली ये भी किलो जूल में होगा और ये भी किलो जूल में रहा होगा, यानी डेल्टा एच भी किलो जूल में रहा होगा, डेल्टा एस भी किलो जूल में रहा होगा, है ना, इसको लिख सकते हो किलो जूल, ठीक है ना, किलो जूल पर केल्विन, क्लियर। तो ये हो गया, अब देखो अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कह रहा है कि टेम्परेचर अगर 280 केल्विन होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लो टेम्परेचर 280 केल्विन पे, तो 120 माइनस 3 बाई 8 टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे, 280, ठीक है, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस 3 बाई 8 इंटू 280, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 280 अपॉन में 8, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि डेल्टा जी क्या आ गया, 15 यानी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन विल नॉट स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो मेजर कंपोनेंट क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो मेजर कंपोनेंट एक्स होगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे मेजर कंपोनेंट क्या होगा, बोला है ना मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो एक्स होगा, तो मेजर कंपोनेंट विल बी एक्स, मेजर कंपोनेंट विल बी एक्स, तो यहां पे दिया है वाई तो ये गलत हो जाएगा। अब एक्स दिया है 350 केल्विन, लिखेंगे इफ टेम्परेचर इज 350 केल्विन, तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालो क्या आएगा, 120 माइनस 3 बाई 8 इंटू टी, टी की वैल्यू रख दो 350, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व तो ये आ जाएगा माइनस 1.25, ठीक है, ये माइनस 11.25 आ गया, इसका मतलब कि डेल्टा जी जो आ गया, डेल्टा जी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डेल्टा जी लेस देन जीरो आ गया, यानी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब x से y बनेगा, तो मेजर कंपोनेंट y होगा, मेजर कंपोनेंट क्या होगा, y, क्यों होगा बेटा, क्योंकि देखो सी केयरफुली, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में, ठीक है,
तो एक्स की जो कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, वाई का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। इसने दिया है एक्स होगा इफ टेम्परेचर इज 350 केल्विन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो अगर टेम्परेचर 315 केल्विन होगा तो एक्स होगा। अब इस पर चेक करो तो डेल्टा जी जो है 120 माइनस 3/8 इंटू टी है, और टेम्परेचर की वैल्यू रखो इफ टी इज वॉट 315 केल्विन, प्लग द वैल्यू ईयर, तो ये लिखोगे 120 माइनस 3/8, टेम्परेचर की वैल्यू रख दो 315, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.875। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो आगे प्रोसीड नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस। तो मेजर कंपोनेंट तब क्या होगा, रिएक्शन जब आगे प्रोसीड नहीं होगा तो मेजर कंपोनेंट एक्स होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्स से वाई नहीं बनेगा, तो मेजर कंपोनेंट विल बी एक्स, मेजर कंपोनेंट विल बी एक्स। अब इसको भी चेक कर लो, डी वाला ऑप्शन भी, तो डेल्टा जी अब लिखेंगे इफ टेम्परेचर इज वॉट 300 केल्विन, इस पर भी चेक करो, डेल्टा जी होगा 120 माइनस 3/8 इंटू 300, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5। इसका मतलब क्या आ गया, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो भी मेजर कंपोनेंट क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, मेजर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स, बिकॉज रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी देखो ये क्वेश्चन 14 में क्या दिया है, दो ब्लॉक है सेम मेटल के T1 और T2 टेम्परेचर पे, ठीक है, उनको कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, ठीक है ना, एक देखो एक का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का टेम्परेचर T2 था, जब वो कॉन्टेक्ट में लाया गया, ठीक है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिए, जब वो टच करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 बाई 2। तो उसने बोला है कि उनके एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, ठीक है ना, और ये सब चीजें कहां पे की जा रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे की जा रही है, ठीक है ना। इसने बोला है कि देखो ध्यान से यहां पे दिया हुआ है कि टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग सेम मास एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड अलाउड टू अटेंड थर्मल इक्विलिब्रियम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कट इट, तो कह रहे चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा दो, ये देखो फाइनल टेम्परेचर जो हुआ TF कितना होगा, T1 प्लस T2 बाई 2, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, राइट। अब देखो हमें पता है कि कोई भी मेटल या कोई भी मान लो कंपाउंड स्टेट ए से स्टेट बी में ले जाया जाता है, मान लो स्टेट ए में प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 था, स्टेट बी में प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 था, तो इनके एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो इस फॉर्मूले से गिवन होता है, एनसीपी ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2, ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू CV प्लस R रखोगे तो CV के टर्म में अगर लिखते हो तो यू कैन राइट N इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ठीक है। तो हम देखो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसने दिया है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, P1 कितना दिया है, P2 के बराबर दिया है, तो डेल्टा S में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, NCPLN T final upon T initial T2 by T1। तो अब देखो पहले वाले के एंट्रोपी में भी चेंज होगा, मान लो पहले वाले के एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा S1, तो दूसरे वाले में डेल्टा S2 मान लो, तो नेट जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो हम लिखेंगे डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, गॉट इट। तो यहां पे अब लिखेंगे देखो नाउ, अब डेल्टा S1 की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा S1 देखो मोल्स नहीं दिया है, मोल्स हम 1 मोल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, मोल इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, तो M की वैल्यू 1 रख दो, CP होगा, ठीक है, और ln T फाइनल कितना होगा, T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2 T1 हो जाएगा, T1 नीचे ऑलरेडी दिया है। सिमिलरली मेटल 2 के एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, तो लिखेंगे CPLN T फाइनल अपॉन T इनिशियल अगेन, तो प्लग द वैल्यू ऑफ TF एंड TI हियर, CPLN TF कितना है, T1 प्लस T2 बाई 2, और TI कितना है, T2 है, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर दो, जो नेट एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा S वो किसके बराबर होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, नाउ प्लग वैल्यू हियर, CPLN
यू कैन राइट टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी वन प्लस सीपीएलएन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी टू. अब देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सीपी, सीपी कॉमन ले लो. अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो जाता है, तो एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी वन लिखोगे, इनटू क्या लिखोगे, यहां बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी टू. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सीपी. अब देखो टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, सी केयरफुली, यहां भी टी वन प्लस टी टू है, यहां भी टी वन प्लस टी टू है, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो एल एन टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर अपॉन में फोर टी वन टी टू, टू टी वन टी टू, टू टी वन इंटू टू टी टू, टू टी वन टी टू, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, सीपी एल एन टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर अपॉन फोर टी वन टी टू, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. ठीक है, देखो ये ऑप्शन सी में दिया है. ठीक है, सी इन क्वेश्चन 15 कह रहा है कि द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज व्हाट. ठीक है, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब कि एन की वैल्यू डेल्टा एन लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव एंट्रोपी चेंज. ये क्या डिनोट करता है, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है डेल्टा एस लेस देन जीरो. ठीक है, तो ये डेल्टा एन पे डिपेंड करेगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो पॉजिटिव एंट्रोपी में चेंज होगी, लिक्विड से गैस में जाएगा तो भी पॉजिटिव होगा, बट अगर लिक्विड से सॉलिड में चला जाए तो नेगेटिव एंट्रोपी में चेंज होता. उसने पहला ऑप्शन दिया सी केयरफुली, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम एन टू एन एच टू. अब देखो एन टू गैसियस स्टेट में होता है, एच टू भी गैसियस स्टेट में होता है, गिव्स एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एनएच थ्री, एनएच थ्री भी गैसियस स्टेट में होता है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी तुम निकाल लो. डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसियस फेज में होगा, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना है. तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, टू माइनस, अब ये देखो वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, तो माइनस टू लेस देन जीरो, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव एंट्रोपी में चेंज होगा. गॉट इट, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, एंट्रोपी में चेंज निगेटिव हो गया, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, बट फिर भी हम दूसरा तीसरा और चौथा भी चेक करेंगे. अब देखो CSO4 सॉलिड है, CSO4 कैल्शियम सल्फेट जो सॉलिड स्टेट में दिया है, ये जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में जो कि सॉलिड है और SO3 गैस में जो कि गैसियस स्टेट में है. अब जरा गेस करो इसके लिए डेल्टा एनजी की अगर वैल्यू निकालोगे तो आएगा वन माइनस जीरो, दैट इज वन. ठीक है ना, हमें सिर्फ किसको लेना होता है, जो गैसियस स्टेट में होते हैं उनके मल्टीप्लायर, उनके कोफिशियंट, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट को लेना होता है. तो यहां पे देखो यहां पे वन आ गया है ना बेटे, नथिंग इज गिवन, एनी वन मान लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड में दिया है, तो ये वन आ जाएगा, यानी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके लिए पॉजिटिव एंट्रोपी में चेंज होगा. अब देखो सी ऑप्शन कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन टू वॉटर. अब देखो आयोडीन को वाटर में तुम डाल रहे हो, तो आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में होता है ना, इसको अब वाटर में डालोगे तो किस में जाएगा, एक्वस फॉर्म में जाएगा, है ना, तो एक्वस में जाएगा. तो देखो सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है तो एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा, और एंट्रोपी पॉजिटिव होती है. ठीक है ना, डिसोल्यूशन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है एंट्रोपी, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, याद कर लो, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होता है. ठीक है, और लिक्विड से गैस में जाएगा तो भी एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है ना, ये मेमोराइज करके रखना है. नेक्स्ट कह रहा है कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड को डायरेक्ट तुम गैस में चेंज कर लो. ठीक है ना, वेपर में चेंज कर लो, गैस का मतलब वेपर में चेंज कर लो, विदाउट अंडरगोइंग इनटू द वाटर, मतलब लिक्विड स्टेट. ठीक है ना, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का सॉलिड ले लो, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाए, गैस में चला जाए. ठीक है ना, लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट गैस में चला जाए, यानी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है ना, बिना लिक्विड में गए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन ऑफ आइस ऑब्वियस है कि ये डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहां पे देख लो. ठीक है, तो ये भी इसके लिए भी मतलब बी सी डी तीनों के लिए एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, और पहले वाले के लिए एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, गॉट इट. चलो आगे करते हैं.
In question 16, an ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure of 4 newton per meter square. तो देखो इसका solution हम करते हैं. Pressure जो दिया है P external वो दिया है 4 newton per meter square. All right. अब देखो और क्या-क्या चीजें दिया है. Initial जो volume दिया है वो दिया 5 meter cube. Final जो volume दिया है वो दिया है 1 meter cube. ठीक है. Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of Al, ठीक है ना, aluminium. If molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin at temperature of Al increases by, तो कह रहा है कितना temperature Al का increase करेंगे, ठीक है ना, molar heat capacity aluminium पर 24 joule per mole per Kelvin हो जाए. तो देखो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, क्लियर. एंड डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू और डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ठीक है. और डेल्टा वी होगा वी टू माइनस वी वन. तो क्यू ये हो गया डेल्टा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल. पी एक्सटर्नल की वैल्यू डाल दो, पी एक्सटर्नल कितना है 4 एंड वी टू माइनस वी वन यानी वी टू है 1 माइनस 5, ठीक है. तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू प्लस देखो 1 माइनस 5 माइनस 4 4 4 जा 16 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस सॉरी डेल्टा क्यू प्लस 16, ठीक है. तो ये हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर. अब उसने बोला है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में जा रहा है, तो डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना. तो फॉर आइसोथर्मल डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, जीरो. तो यहां पे रख सकते हो कि डेल्टा क्यू प्लस 16 इक्वल टू जीरो. तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा माइनस 16. अब देखो ये हो जाएगा न्यूटन. इसका देखो इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या था, मीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर. तो 1 न्यूटन मीटर में 1 जूल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 16 जूल. गॉट इट. चलो तो ये हो जाएगा हमारा, देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 16 जूल. तो यहां पे अब यूज करेंगे मॉड डेल्टा क्यू. देखो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे. तो देखो यहां दिया है मोलर हीट कैपेसिटी कितना दिया है एल्युमिनियम का, 24 जूल पर मोल पर केल्विन दिया है, ठीक है ना. तो डेल्टा क्यू इक्वल टू इसका मॉड क्यू वैल्यू कितनी होगी, मॉड एन सी डेल्टा टी. तो देखो मॉड क्यू की जगह पे लिखोगे 16, क्योंकि ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना. हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम जो होता है निगेटिव होता है, ये मेमोराइज करके रखना. तो 16 इक्वल टू एन, एन कितना दिया है 1 मोल. देखो इसने दिया है 1 मोल, सी की वैल्यू दिया है 24, डेल्टा टी यहां से निकाल दो. तो यहां से आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू 16 अपॉन 24, ठीक है ना. 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 2 बाई 3 केल्विन होगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है.